तो स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और अभी हम आ चुके हैं घोड़ा खाल मंदिर, जिसमें कि आपको यहाँ पे मंदिर के बारे में मुझे पता नहीं है ज़्यादा कुछ। अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे विज़िट करूँगा, देन आपको दिखाऊँगा यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है, क्यों ये मंदिर बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा और साथ ही साथ आपको यहाँ के दर्शन कराऊँगा। तो अभी मैं आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाऊँ। अभी हम हैं घोड़ा खाल में, यहाँ का नाम ही घोड़ा खाल है जगह का, और साथ में इसे यहाँ पर घोड़ा खाल मंदिर है। और यहाँ से कुछ दूरी पे पैराग्लाइडिंग भी होती है, वहाँ पे अभी हम कोशिश करेंगे जाएं और वहाँ पे जाके पैराग्लाइडिंग करें। तो अभी मैं आपको यहाँ के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ और आपको दृश्य दिखाता हूँ। एक दो अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट हैं यहाँ पे, तो वो आपको दिखा के देन चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर कुछ यहीं पर है, देखो मेरे बैक साइड में दिख रहा होगा टॉप पे, यहाँ पे मंदिर है और चलते हैं वहाँ पे। अभी हम यहाँ घोड़ा खाल हैं और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये पूरा गाँव है, पूरा जगह बसा हुआ है। और अभी आपको दिखाता हूँ, ये है भीमताल, जो नैनीताल की 7 तालों में से एक ताल भीमताल ये है। ये काफ़ी दूर है यहाँ से, बट देखो यहाँ से एकदम क्लियर दिखती है पूरी A to Z ये ताल दिख रही है। और ये पूरा गांव बसा हुआ है, पूरा व्यू ऑफ पॉइंट यहाँ से आपको दिख रहा है देखने को। और साथ ही यहाँ से ऊपर की ओर ये मंदिर है बसा हुआ यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं घोड़ा ताल की ओर, मंदिर की ओर, और आपको दिखाते हैं यहाँ के, कराते हैं आपको यहाँ के दर्शन। चलिए चलते हैं। गोलू देवता, तो चलिए चलते हैं मंदिर की ओर, प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले बजाते हैं बैल, चलिए सीढ़ियों से चलते हुए ऊपर की ओर जाना है, मंदिर की ओर प्रस्थान करना है। चलिए चलते हैं, आप सब हमारे साथ चलते रहिए, दर्शन लाइव दर्शन करते रहिए मंदिर के। पूरी 101 सीढ़ी चढ़ने के बाद, फिर यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं चढ़ाई पे, तो चढ़ने के बाद आता है मंदिर का गेट। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर क्या क्या है, पूछते हैं किसी से यहाँ की कहानी। यहाँ पे जूते चप्पल उतारने के बाद साथ ही हाथ पांव धोने का, और तभी चलते हैं। हमने हाथ पांव धो लिए हैं, चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। बार बार बोल रहा हूँ चलिए चलते हैं, कि एक पे एक गेट प्रस्थान है। हजारों घंटियों से बंधा हुआ ये मंदिर, यहाँ पे की हजारों घंटियाँ बंधी हुई हैं। लोगों ने अपनी विश पूरी करने के लिए भगवान को घंटी की चढ़ाई है, घंटियाँ चढ़ाई हुई है, और घंटियों द्वारा अपनी विषय मांगी गई हैं। चलिए चलते हैं अंदर, प्रस्थान करते हैं कुछ घंटियों की खुंकार के साथ। चलिए चलते हैं मंदिर में और मांगते हैं अपनी श्रद्धा। आप सब लोग भी घर से बैठे बैठे अपनी श्रद्धाएं मांगे। तो देखिए कुछ इस तरह लोगों ने अपनी विषय लिखी हुई है, मैं पढ़ा तो सकता नहीं, आपको दिखा सकता हूँ। जस्ट देखिए कुछ इस तरह लोगों ने अपनी मन की बातें लिखी हुई हैं। तो देखो तमिल में भी किन्ने ने लिखी हुई है, तो देखिए लोग इतनी दूर दूर से यहाँ अपनी श्रद्धा मांगने आते हैं। देखिए भरत खंडे भारतवर्षे उत्तराखंड राज्यांतर्गते घोड़ा काल गोलू देवता मंदिरे नल नाम ने संपत्ति मम्मी का यही है। हेलो, गोलू देवता धाम में भैरव बाबा का मंदिर, जो कि थोड़ा सा टॉप पे उनके थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद आपको देखने को मिलता है। भैरव बाबा के मंदिर के बाद जस्ट शनिदेव जी का मंदिर, शनिदेव जी के दर्शन करते हुए
एक प्रक्रिया करते हुए मंदिर का गोल घेरा लगा के आगे की ओर बढ़ते रहे। इसी तरह आप लोगों को मैं ऑनलाइन दर्शन कराता जा रहा हूँ। जय हो जय काली मैया का मंदिर, कुछ यही है गोलू देवता का मंदिर घोड़ाखाल में। तो कई लोग यहाँ पे नारियल का भेंट भी करते हैं, साथ ही साथ घंटियां बांधते हैं। जिन लोगों की मनोकामनाएं सारी पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पे घंटियां बांधते हैं। और माना जाता है ये मंदिर इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे जो भी चिट्ठी लिखता है और घंटियां बांधता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए हम भी बांधते हैं। लोग यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं ऐसे चुन्नी बांध के, भगवान को चुन्नी भेंट करके। तो इस तरह ये भी अपनी चुन्नी बांध रहे हैं और भगवान को अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। कुछ लोग लिखकर भी करते हैं, देखो मैंने आपको दिखाया। चलिए दिखाते हैं आपको कुछ और। तो कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पे आके, इधर की साइड आइए। अच्छे से दर्शन हुए, काफी लोग थे, फिर भी भीड़ भड़क का नहीं, मैनेजमेंट काफी अच्छा था, काफी अच्छा था। और दूसरा मतलब शांति सी लगी अंदर आके जी, और हमें भी काफी अच्छा फील हुआ इतने टाइम बाद एक बाहर निकले और काफी इतनी अच्छी प्लेस पे हमें जाने का मौका मिला। काफी शांतिपूर्वक यहाँ पे सब कुछ हुआ और काफी अच्छी फीलिंग। देखिए आपको हमने कराया घोड़ा ताल के गोलू देवता मंदिर के दर्शन। तो ये है गोलू देवता का मंदिर, ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड का। आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी सारी अपनी मन्नतें मांगते हैं। और आप भी यहाँ पे आएँ और एक बार अपनी मन्नतें मांगें तो ज़रूर पूरी होंगी आपकी मन्नतें, ठीक है। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और ऐसी और भी उत्तराखंड की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल से कनेक्ट होना। मैं धीरे धीरे उत्तराखंड के और भी ब्लॉग्स डाला करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और चलते हैं कहीं और नई तलाश पे घूमने। और आपको बताइए कहाँ पे हम नेक्स्ट जाएं। बोलो गोलू देवता की जय। चलो चले।